May I come in, sir? Yes, come in. Hi, sir. मैं इंटरव्यू के लिए आई थी. Welcome. Thank you. तीन साल का एक्सपीरियंस है आपको? जी. क्या करते थे वहाँ पर? सर मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर का काम किया है. मार्केटिंग भी था सर, बट फील्ड पे उतना जाना आना नहीं होता था. और उसके बाद मैंने काउंसलिंग का भी काम किया सर. तो ये जॉब क्यों छोड़ी? सर कुछ पर्सनल रीज़न थे, इसकी वजह से छोड़ना पड़ा. आपको लगता है आप यहाँ पे काम कर लोगे? जी बिल्कुल सर. देखो रिज्यूमे तो आपको अच्छा है, कब से ज्वाइन कर लोगे आप? कल से सर कर सकते हैं मैं ज्वाइन. ओके. यस सर. वो प्रोजेक्ट फाइल लेके आए. सर फाइल इनको दे. इसे तो छोड़ूंगी नहीं मैं. क्या हुआ कनिका, मूड क्यों खराब है तुम्हारा? यार क्या बताऊं मैं, आज ना एक नई एम्प्लॉई आई है और सर ने एक मेरा प्रोजेक्ट ना उसको दे दिया. मैं कितने टाइम से उस पर काम कर रही थी. सर ये प्रोजेक्ट फाइल रेडी है सर. रेडी हो गई? जी. थैंक यू सर. वेरी गुड, नाइस. आपने तो बड़ा जल्दी प्रोजेक्ट रेडी कर लिया. कनिका जो काम तुमने एक महीने में नहीं किया, इस लड़की ने वो काम एक हफ्ते में कर दिया. कुछ सीखो इनसे, ऐसे किया जाता है काम. आपको काम करना है तो करो, समझे? नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा. चलो जाओ यहाँ से. इसका तो कुछ करना पड़ेगा, बहुत हो गया इसका. हर टाइम सर मुझे ही बोलते रहते हैं, पता नहीं क्यों. क्या हुआ, आज फिर तुम्हारा मूड खराब है? यार क्या करूँ, फिर से वही चीज़ें. सर ने आज मुझे फिर डांटा उस लड़की के चक्कर में जो नहीं आई है. उसे आए हुए खाली एक हफ्ता ही हुआ है अभी, और सर पता नहीं क्या हो गया, सर के ऊपर क्या जादू कर दिया उसने. मुझे लगता है सर का ना उससे कुछ चक्कर वक्कर चल रहा है, क्योंकि सर किसी एम्प्लॉय को ही नहीं देख रहे खाली उसके. हाँ यार किसी को भी नहीं पूछना, मतलब मेरे को डांट रहे हैं सर. कनिका मुझे भी शायद यही लगता है कि इतने कम टाइम में वो इतना घुल मिल गया और इतना हंसते हैं. तो सही कह रही है. क्या करूँ यार मैं, लड़की का मुझे कुछ करना पड़ेगा, बहुत हो गया उस लड़की का. तो देखो आ गई बॉस की लाडली. मुझे तो लग ही रहा है कुछ ना कुछ इसका चक्कर चल ही रहा है, नहीं तो बॉस एक हफ्ते में इसे पसंद करने लग जाएंगे. इतना कौन ही समझाया अभी ने. ये क्या क्या बातें हो रही है मेरे बारे में. अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो मुझे तो घर से ही निकाल देंगे. मैं एक काम करती हूँ, मैं रिजाइन दे देती हूँ. मुझे नहीं करना यहाँ पे जॉब. हाँ बस रिजाइन दे देती हूँ मैं. सर मैं यहाँ और काम नहीं कर सकती. ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर. रिजाइन? ऐसी क्या बात होगी जो आप रिजाइन करना चाहती हैं? अभी तो आपने ज्वाइन किया, बताओ. सर ऑफिस में बातें फैल रही है कि आपके और मेरे बीच में कुछ चल रहा है, और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती. सर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका रेपुटेशन भी खराब हो. आप मेरा रिजाइन एक्सेप्ट कर लो. ओके, मैं आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेता हूँ, पर मेरी एक शर्त है. ये पानी का गिलास उठाओ, इसे लेकर ऑफिस का एक चक्कर लगा के आओ. अगर एक भी बूंद गिर गई तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा. हाँ अगर आप बिना एक भी बूंद गिराए इस ग्लास को ले आए तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा. ओके देखो आ गई बॉस की चली, अब इसने पानी पिलाना भी शुरू कर दिया.
सर ये ग्लास, इसमें से एक बूंद पानी नहीं गिरी। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये पानी का ग्लास लेके आप ऑफिस का चक्कर लगा रही थी, तब ऑफिस का स्टाफ क्या कर रहा था? सर मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा पूरा फोकस तो इस ग्लास पे ही था। ठीक इसी तरह जिस तरह आपने ग्लास पर ध्यान लगाया, आपको अपना ध्यान अपने भविष्य अपने करियर की तरफ लगाना चाहिए, लोगों की बातों की तरफ नहीं। लोग तो पता नहीं किसके बारे में क्या क्या बातें करते हैं, आप उनकी बातें सुनोगे तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। और बच्चे बातें भी उसी के बारे में होती है जिसमें कोई बात होती है, समझे? अब इसका क्या करना है? मैं सब समझ गई सर। समझ गए ना? जीवन में किसी की परवाह मत करना और अपनी मेहनत से काम करना चाहिए।